أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उसके बाद शुक्र इस बात का कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और सबसे बढ़कर शुक्र इस बात का कि उसने विलायत अली जैसी नेमत से हमें बहरमंद फरमाया। मौला का कौल है कि जब मैं खुदा से बात करना चाहता हूँ तो नमाज पढ़ता हूँ और जब मैं चाहता हूँ कि खुदा मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। इसी तरह चौथे इमाम सैयद साजिदीन हज़रत अली इब्न अबी अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मशरिक से लेके मगरिब तक तमाम आबादी मर जाए तो और अगर मेरे पास कुरान मौजूद हो तो मुझे कोई वहशत ना हो, यानी इतनी उनसियत इमाम को कुरान से कि दुनिया में कोई शख्स बाकी ना रहे और उनके पास कुरान हो तो वो गुफ्तगू के लिए उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए काफ़ी है। कहते हैं कि क़यामत में तीन चीज़ें अल्लाह के हुजूर इंसान से शिकवा करेंगे, एक तो मस्जिद मोहल्ले की कि जो कहेगी कि ये शख्स मेरे मोहल्ले में रहता था लेकिन नमाज़ पढ़ने मेरे पास नहीं आता था। दूसरा आलिम दीन जो कहेगा कि मैं इसकी दस्तरस में था, इसके करीब था लेकिन इसने कभी मुझसे इस्तफादा करने हासिल करने की तौफीक नहीं हासिल की। तीसरा कुरान कि जो कहेगा कि मैं इसके घर में मौजूद था लेकिन इसने कभी इसे खोल कर मुझसे फ़ायदा नहीं उठाया। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही वो किताब है कि जो ख़त की सूरत में अल्लाह ताला ने अपने बंदे को भेजी है और हमदद व मोनस की सूरत में उसकी तन्हाई दूर करने के लिए मौजूद है और अल्लाह की इस इतनी बड़ी नेमत को जो सकलैन में से एक सकल है घर में मौजूद होने के बावजूद हमारी बेतहजी का शिकार है। एक स्कूल में कुतुब मेला होने वाला था तो उस्ताद ने अपनी क्लास के बच्चों से कहा कि बच्चों आपके घर में पुरानी जो किताबें रखी हुई जिसको आप नहीं पढ़ रहे वो ले आइएगा ताकि हम कुतुब मेले में रखें और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों में तकसीम करें। तो क्लास के तमाम बच्चे एक ही किताब यानी कुरान मजीद लेकर आए। उस्ताद ने पूछा कि भाई आप सब लोग एक ही किताब कुरान क्यों लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि यही वो किताब है जो हमारे घर में पड़ी रहती है और कोई इसकी तरफ नहीं देखता ना इस्तेमाल करता है, चुनांचे हम ये किताब ले आए। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी किताबों के उलूम हासिल करने के बाद भी इंसान उस किताब से गाफिल रहे कि जिसमें बहरोबर का इल्म मौजूद है, बल्कि तमाम इल्म के चश्मे इसी किताब से फूटते हैं और अगर इस किताब से उनसियत या मोहब्बत ना हो तो इस किताब के पढ़ाने वालों से भी मोहब्बत ना होगी। और इस किताब के पढ़ाने वाले ख़ुद अहले बैत हैं कि जिनके लिए रसूल अल्लाह ने फरमा दिया इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती माँ इन तमस्क तुम बेहमा लन तदिल्लु बादी अबदा कि मैं अपने बाद दो गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इनसे मुतमस्क रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, लन तदिल्लु कभी भी नहीं, नेवर एवर। और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुदा नहीं होंगी हत्ता के मेरे पास हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात ना कर लें, हत्ता यरिदा अलैहि लहौज। तो हम खुशकस्मत हैं कि कुरान भी हमारे पास है और कुरान को पढ़ाने वाले भी हमारे पास हैं। औरों के पास कुरान तो हो सकता है लेकिन कुरान को पढ़ाने वाले हम उनके पास मौजूद नहीं। तो कुरान को पढ़ने के लिए जो सबसे अहम नुक्ता बात जहन में रखनी चाहिए वो है इनके असातीज़, इनके असातिज़ा, इनके पढ़ाने वाले। अगर आपने कुरान के पढ़ाने वालों से कुरान को नहीं समझा
तो फिर आप शैतान की तरह कयास और उसके बाद गुमराही का शिकार हो जाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि कुरान के होते हुए भी ये उम्मत मुसलमान 73 फ़िरकों में बटी हुई है, इसी वजह से कि हर शख्स ने कुरान तो ले लिया लेकिन कुरान का उस्ताद किसी और को करार दिया, उसको नहीं करार दिया कि जिसके लिए रसूल अल्लाह ने हदीस सकलैन बयान की थी। चुनाचे इसी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए आज सूरह हल अता, सूरह इंसान या सूरह दहर का इंतखाब किया गया है। इस सूरह के बारे में कहा यह जाता है कि ये वो सूरह है कि जिसको अगर कोई शख्स तिलावत करे तो अल्लाह ताला उसको जन्नत और जन्नत के लिबास से आरास्ता करेगा। ये वो सूरह है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि जो शख्स जुमेरात के दिन सूरह हल अता पढ़े तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन रसूलल्लाह की हमराही नसीब फरमाएगा। अब यहाँ पर रुक के एक सवाल पैदा होता है, क्या फ़क़त सूरह हल अता पढ़ने से इतनी बड़ी नेमत, यानी सब कुछ तो मिल गया आपको, जन्नत और जन्नत का सबसे बेहतरीन शख्स शख्सियत रसूलल्लाह, तो हम सूरह पढ़ें और फिर हमारी मर्ज़ी जो चाहें हम करें? ऐसा नहीं। सूरह हल अता ही क्या, कोई भी सूरह कोई भी आयत कुरान की पढ़ने के बाद उसकी फजीलत को अगर दर्क करना है तो पहले उसके मफहूम को दर्क करना होगा और उसके बाद उस आयत में मौजूद पैगाम और हुक्म पर अमल पैरा होना होगा, वरना आपको वो फजीलतें नहीं मिलेंगी। चुनांचे ज़रूरी है हमारे लिए कि इस सूरह हल अता में मौजूद पैगामात को समझें और तहिया करें कि उस पर इंशाअल्लाह ताला हम अमल करेंगे। 100% अमल तो बहरहाल नहीं हो सकता है क्योंकि ये अहले बैत के लिए मुख्तस है, उसके बाद अंबिया औलिया असहाब मुज्तहिदीन मरजईन, लेकिन हिस्सा बकदर जुस्सा जितनी सकत जितनी अहलियत हो उसके मुताबिक अज़्म मुसम्मम अगर किया जाए इस पे अमल करने का कुरान पर सूरह हल अता या जो भी सूरह, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको दुनिया और जहाँ की दुनिया और आखिरत की नेमतों से सरफराज फरमाएगा। ये सूरह जो कि कुरान के 29वें पारे में है, 31 आयात पर मुश्तमिल है, यानी जुज 29 और इसकी ख़ुद की आयात 31, और तरतीब के अतबार से ये सूरह कुरान में 76वें नंबर पे है, 76th पोजीशन पर। इस आयत सूरह के बारे में कहा जाता है कि ये मदनी है और मुत्तफ़ा अलैह हैं कि ये सूरह अहले बैत की शान में नाजिल हुआ। कुछ लोगों का अगर इख्तलाफ है तो वो गैर शिया मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कम अज़ कम इन्नल अबरारा से लेकर 18 आयात कि जिसमें वो ईसार का वाक़िया भी मौजूद है कि जिसमें अहले बैत ने अपनी रोटियों को घर पे आने वाले साहिल में तकसीम की, इन 18 आयत के बारे में मुत्तफ़ा अलैह शिया सुन्नी मकातिब कि ये अहले बैत की शान में नाजिल हुई। बहरहाल 31 में 18 या ओवरऑल पूरा का पूरा सूरह अहले बैत की शान में नाजिल हुआ। इस सूरह के 5 मजामीन हैं, 5 टॉपिक्स, 5 मौजूआत हैं और हर मौजू अपने अंदर कई कई पैगाम लिया हुआ है। 5 मौजूआत में से जो शुरू के 4 मौजूआत हैं उन 4 मौजूआत में तकरीबन 5-5 पैगामात निकलते हैं और आखिरी हिस्से में एक पैगाम तकरीबन 20-21 पैगामात हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हमें इन पैगामात को आप तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इन पैगामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले में। सबसे पहले तो इस सूरह का नाम हल अता भी है, इंसान भी है और दहर भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैअ मज़कूरा। क्या इंसान पे कोई ऐसा वक्त नहीं गुज़रा कि वो
दुनिया में कोई ख़ास काबिले ज़िक्र शय था ही नहीं, बल्कि कोई काबिले ज़िक्र शय था ही नहीं। तो हलाता भी आ गया, लफ्ज़ इंसान भी आ गया और दहर भी आ गया। बल्कि हलता के लफ्ज़ को तो ख़ुद अल्लामा इक़बाल ने अहले बैत के हवाले से इस्तेमाल करते हुए कहा कि बानुए आ ताजदारे हल अता मुर्तज़ा व मुश्किल कुशा व शेर खुदा। बीबी सैयदा की फजीलत बयान करते हुए, बीबी मरियम से तकाबुल करते हुए कि बीबी मरियम के पास एक ही फजीलत की नस्बत थी और वो थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, और जनाब सैयदा के पास तीन नस्बतें थीं कि वो रसूल अल्लाह की चहेती बेटी थी, वाहिद इकलौती बेटी, उसके बाद जनाब हसनैन की मादरी ग्रामी जन्नत के सरदार, और जनाब मुर्तज़ा की जौजा। तीन नस्बतें। यहाँ पे अहले बैत के ताज, अहले बैत के सरदार को ताजदार हल अता करार दिया है कि हल अता का ताज उनके सर पर मौजूद है जनाब मुर्तज़ा के। तो ये भी एक दलील के सूरह हल अता अहले बैत की शान में नाजिल हुई। पहला मौजू खिलकत इंसान। इस मौजू में मजीद पैगाम तकरीबन पाँच के इंसान की खिलकत कैसे हुई, क्यों हुई और किन मराहिल से उसे गुज़रना है, कहाँ पहुँचेगा और किस हालत में होगा, अल्लाह ने क्या नेमतें इस मखलूक़ के लिए रखी हैं। तो पहला पैगाम, पहले मौजू का पहला पैगाम, मौजू क्या है, खिलकत इंसान, और मौजू क्या, पैगाम क्या है, इब्तिदा, इंसान की इब्तिदा क्या है। पहली बात तो यह है कि लम यकुन शैअम मज़कूरा, वो कोई काबिले क़दर शय था ही नहीं, यानी हमारी पैदाइश से पहले हम कुछ नहीं थे, कोई हमें जानता नहीं था, हमारे सूरत शक्ल दूर के बाद नाम से भी कोई वाकिफ नहीं था, लेकिन उसके बाद पैदा होने के बाद कुछ अरसे तक हमने अपनी पहचान करवाई, 60-70-80 साल उसके बाद हम इस दुनिया से चले जाते हैं। तो चले जाने के बाद शायद कोई 50 साल हमें याद रखे, हमारी औलाद 100 साल याद रखे, शायद हमारी औलाद की औलाद, हमारे पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, और उसके बाद शायद आहिस्ता आहिस्ता लोग हमें भूल जाएँ। 100-200 साल बाद हम, हमारी शख्सियत, बल्कि हमारी कब्र भी लोगों को याद ना हो। तो ना हम अपनी पैदाइश से पहले कोई काबिले ज़िक्र थे, यकसर नहीं थे, और पैदाइश के बाद ज़िंदगी गुजारने के बाद अपनी मौत के बाद कुछ अरसे तक शायद याद रखे जाए, उसके बाद लोग चाहे जाए कि हम कोई ऐसा कारनामा अंजाम दें। अम्बिया आइम्मा और उनके पैरोकारों की तरह के लोग हमको याद रखें, या कोई और तरीके से बहरहाल। तो ना पहले हम काबिले ज़िक्र थे, ना बाद में हम काबिले ज़िक्र थे। जब आप कहेंगे कि भाई हम इन बिटवीन, अपने इब्तिदा और अपने अंजाम के दरमियान जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस वक्त, उस वक्त तो काबिले ज़िक्र हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप अपने आगाज़ को देखिए, क्या थे आप। अल्लाह फरमाता है इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन, कि बेशक हमने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, मिले जुले मखलूत नुत्फे से पैदा किया। नुत्फा यानी मर्द का स्पर्म, औरत का ओवम, दोनों मिलकर जो जायगॉट बनता है और उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसको कहा गया नुत्फतिन अमशाजिन। बहरहाल इंसान जिसकी इब्तिदा नुत्फे से है, वो ना जिस गुसल वाजिब, और अगर कपड़े या बदन पे लगे तो वो नजासत हटाना वाजिब था, जब तक आप ना हटाएं नमाज कबूल नहीं। जब आप मरते हैं तो आपको गुसल देना पड़ता है, चाहे कितने ही साफ़ सुथरे अंदाज से दुनिया से जाएं, गुसल करने के बाद इस दुनिया से जाएं, फिर भी आपको गुसल देना पड़ता है। बल्कि अगर कोई आपको छू ले, उस पर भी गुसल मसे मैयत वाजिब। अजीब इंसान की हकारत का आलम है कि मरा हुआ इंसान है, पहली बात तो ये, कोई छूले वो नजिस हो जाए। तो
तो इंसान की इब्तिदा आगाज़ जो है वो नजासत से हो रही है और उसके बाद अंजाम भी नजासत से। अब आप कहेंगे भाई इस वक्त हम सही सालिम हैं, इसमें नजासत का कहाँ अमल दखल हमारी शख्सियत में। तो मौला ख़ुद फरमाते हैं अजीब इंसान है कि पेट में नजासत लिए घूम रहा है। बोलो बराज पेट में मौजूद है, बल्कि हमारे जिस्म के हर इंच में नजासत मौजूद है। खून जहाँ से काटे वहाँ से खून निकलेगा, खून अगर बदन पे लग जाए कपड़े पे लग जाए नजस। तो बोलो बराज अलग चीज़ और खून अलग चीज़, फिर नुतफ़ा, चार नजासतें तकरीबन आधी तो नजासतें हमारे अंदर मौजूद हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान का आगाज़, इंसान का अंजाम, इंसान की इब्तिदा और इंसान के जाने के बाद या तो नाकाबिले ज़िक्र हैं या फिर नजासत से इबारत है। तो पैगाम ये है कि इंसान के अंदर अकड़ किस बात की, किस बात में इंसान तकब्बुर करता है, इज्जत दौलत शोहरत जायदाद या कोई हुनर कोई मलका कोई खसूसियत जिस पे वो अकड़ता है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है। वक्ती जिसे कहते हैं कि एक उरूज है, वक्ती कमाल है, वक्ती ताकत है, वक्ती जाहो जलाल है, मनसब है, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। वही दो गज़ की ज़मीन है जो लोगों को मिली है वो आपको भी मिलेगी। अभी आप अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठे हैं और ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, उसके बाद आपको चूटियाँ ग़िज़ा के तौर पे, हशरात ग़िज़ा के तौर पे खा रहे होंगे, उनके साथ आप लेटे हुए होंगे। तो ये अंजाम और ये इब्तिदा अगर इंसान याद रखे तो इंशाअल्लाह कभी भी किसी तकब्बुर में मुब्तला नहीं होगा, चाहे वो कोई बहुत बड़ा बादशाह ही क्यों ना बन जाए। अंबिया अकराम के अंदर जितना तवाज़ो इंकसारी का मादा होता था वो किसी में नहीं होता था, हालांकि अपने अपने ज़माने में हर नबी मोतबर तरीन और औज पे पहुंचा हुआ कमाल पे पहुंचा हुआ इंसान होता था, लेकिन अपने आप को सबसे हकीर तरीन समझता था। किसी ने खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जब दूसरी मरतबा आना मेरे पास तो ऐसी शख्सियत ऐसी चीज़ को लेके आना जिसके बारे में तुम समझते हो कि वो तुम उससे बेहतर हो। देखा जाए मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी को भी पकड़ के ले जाते, हर शय हर शख्स उनसे कमतर था, वो तो नबी थे ना। जानवरों जमादात नबतात हैवानात की बात छोड़ें, इंसानों में भी जो भी होता हवारी होता उनका, कोई उनका खलीफा ही क्यों ना होता, वो सब उनसे कमतर ही तो होता। लेकिन कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम किसी इंसान को नहीं लेके गए कि शायद ये मुझसे किसी जहत में आगे हो, किसी अंदाज में किसी जाविये से बेहतर हो खुदा के नज़दीक बनिस्बत मेरे, तो मैं क्यों किसी को लेके जाऊँ। वो याद है ना कि जब वो तौरात की तख्तियाँ लेकर आ रहे थे तो थोड़ी देर के लिए दिल में इल्ज़ाम पैदा हुआ कि मुझसे बेहतर कोई होगा, मेरे पास तो तौरात है किताब इलाही है, मुझसे बेहतर कोई होगा। फौरन कहा मूसा यू टर्न ले लो, जाओ फलां जगह फलां दरिया पे, एक शख्स है ये अलामात हैं, वो तुम्हें इलम सिखाएगा। फिर आपने देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसा जानुए तलम्मुस तय किया और खजर अलैहिस्सलाम ने किस तरह उनको ट्रीट किया जैसे एक मॉन्टेसरी का बच्चा, कि ख़बरदार कोई सवाल किया, अगर सवाल किया तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया, फिर माजरत चाही, फिर दूसरा सवाल किया, कहा कि भाई मैंने तुम्हें कहा था कोई सवाल नहीं, फिर तीसरा सवाल किया तो क्या कहा, हाजा फिर आपुल बहनी व बैनकुम, कि अब मेरे और तुम्हारे दरमियान, जैसे कि टीचर क्लास से निकाल देता ना कि बस ठीक है अब आप निकल जाएं अब इस क्लास में बैठने के काबिल हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम की हैसियत और औकात उनको याद आई। एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम गड़ा खोद रहे थे, पत्थर के अंदर एक कीड़ा नज़र आया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने इस कीड़े को क्यों पैदा किया, यानी ज़मीन ज़मीन के अंदर पत्थर पत्थर के अंदर कीड़ा। तो अल्लाह ने कहा कि फिर अल्लाह से पूछा कि अल्लाह मुझे बता तूने इस कीड़े को पैदा ही क्यों किया, यानी क्या इसकी अफादियत, छोटा सा थोड़ा सा नुक्ते बरकत हो कीड़ा है। तो अल्लाह ने कहा ए मूसा ये कीड़ा भी यही पूछ रहा है कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया। तो वही बात है कि एंगल एंगल की बात जाविये की बात, आप अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, वो सामने वाला
जो है वो आपको कुछ समझ रहा होता है। तो वो कीड़ा कह रहा है कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया, ये किस नाम से बिल्ला कर कहा जाए, किस किस खेत की बोली। मूसा कह रहे हैं कि ये कौन है, इसकी क्या ज़रूरत। और फिर वो तख्ती वाला वाकया, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि मुझे जो है किसी को कमतर नहीं समझना है। तो कहते हैं कि वो जब जा रहे थे तो जाते हुए कुत्ता नज़र आया, मजजूम, वो बर्स मबरूस कुत्ता जो ना, बर्स जिसको हो गया। तो कहा कि ये तो मुझसे कमतर होगा, तो उसको ले लिया और रास्ते में कोई तौर पे जाने से पहले पहले उसको भी छोड़ दिया। कुछ पता नहीं, मानी जब कीड़ा मुझसे कह सकता है खुदा से कि इस मूसा को क्यों पैदा किया, तो खुदा ना ख्वास्ता। तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि अपने हवारियों के पैर धो धो के पीते थे, मतलब ये तो मुहावरा उर्दू में, पैर धोया करते थे। और वो मना करते थे, कहेंगे नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा किया। तो ये अंदाज़ हमारे अंबिया का था। रसूल जब आते थे, लोगों में बैठते थे, तो कुछ लोग डर जाया करते थे। तो रसूल कहा करते थे कि मैं कोई बादशाह थोड़ी हूँ जो तुम मुझसे डरो। और जब बैठ जाते थे तो लोगों में कोई अजनबी शख्स आता था तो पूछता था कि तुम में मोहम्मद कौन है, यानी इतना घुल मिल जाते थे लिबास नशस्त व बर्खास्त के हवाले से, ना कोई जगह कोई ख़ास मुअय्यन कि वहाँ बैठे कि लगे कि हाँ भाई ये बीच में बैठे हैं, दीवार से टिक लगा के बैठे हैं, तकिए पे झुक के बैठे हैं, तो तुम में से मोहम्मद कौन है। तो बताया जाता था कि ये मोहम्मद है। तो हमें भी चाहिए कि अपने अंदर तवाज़ो इंकसारी पैदा करें, क्योंकि हम कुछ नहीं थे और कुछ भी नहीं होंगे। आगाज़ और अंजाम हमारा नजिस, नजिसुल ऐन जिसे कहते हैं, और ख़ुद अपने अंदर भी निजाजत लिए लिए घूम रहे हैं। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है नबतलीहा इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतलीहा, कि हम तुम्हें आजमाएंगे। ये दूसरा पैगाम, मौजू पहला क्या है, खिलकत इंसान, पहला पैगाम इब्तिदा, जिसका आखिर यह है कि इनकसारी इख्तियार करें। दूसरा पैगाम नबतलीहा, कि हम तुम्हें आजमाएंगे। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 155 156, सूरह बकरा कुरान का दूसरा सूरह है, चैप्टर 2 वर्स नंबर 155 156, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुउ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस समरात वबशरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वला नब्लुवन्नकुम, लाम मफ्तूहा एक ताकीद, नून ताकीद खफीफा दूसरी ताकीद, नून ताकीद सकीला तीसरी ताकीद। इंग्लिश में हम कहते हैं यू शुड डू इट, शुड एक ताकीद एम्फेसाइज करने वाला एक वर्ड, फिर हम कहते हैं यू मस्ट डू इट, तुमको ये ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद सुपरलेटिव या थर्ड डिग्री की ताकीद इंग्लिश में भी नहीं है, लेकिन अरबी में है, वसी ज़बान है। तो लाम मफ्तूहा और फिर नून ताकीद सकीला, दो ताकीद के बराबर है, जज़म के बाद तशदीद आती है। तो तीन ताकीदात अल्लाह लगा रहा है और कह रहा है बोला नब्लुवन्नकुम, हम तुम्हें ज़रूर बिल ज़रूर आजमाएंगे, यानी बिल्कुल तुम्हें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, हम तुम्हें ज़रूर बिल ज़रूर आजमाएंगे, बिशाइम किसी भी चीज़ से, मसलन मिनल खौफ, खौफ जान का खौफ, इज्जत का खौफ, माल लुट जाने का खौफ, कोई नुकसान, कोई हादसा वगैरह वगैरह। और आजकल हर इंसान खुसूसन कराची पाकिस्तान या मुस्लिम ममालिक में तो खौफ का ही जिसे कहते हैं कि डेरा है, और इस किस्म का खौफ मगरबी ममालिक में भी है, नेमतों और चीज़ों आराम और आसाइश के छिन जाने का खौफ वहाँ भी, और चीज़ों की जो है वो खौफ वाली शय मौजूद है वहाँ पर। मिनल खौफ वल जुउ, भूख से, आप देख लीजिए अफ्रीका में मगरबी जो अफ्रीकी ममालिक हैं भरे में ऐसे इलाके के जहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं। अच्छा, अपनी पसंद का खाना ना होना भी देखा जाए, आपको अपनी पसंद की चीज़ ना मिले, पेट भर के ना मिले, आजकल भी पाकिस्तान के गांव देहातों में ऐसे हैं। तो मिनल खौफ वल जुउ व नक्सिम मिनल अमवाल, अमवाल पैसे में कमी, भाई महंगाई हो गई तो एक चीज़ जो पहले 10 रुपए की थी अब 20 रुपए की, तो वो अब आधी लेंगे, अब तो आपके माल में कमी हो गई।
या आपकी करेंसी डी वैल्यू हो गई, प्रॉपर्टी डी वैल्यू हो गई, या जॉब से निकाल दिया गया, वनक़ से कारोबार में नुकसान हो गया, वनक़ से मिनल अमवाल वल अनफुस, यानी जान निकल जाना, जान चली जाना, हादसे में, बीमारी में, कत्ल गारत में, बॉम्ब ब्लास्ट, टारगेट किलिंग, दुश्मनी, किसी भी वजह से, ये खौफ जिसे कहते हैं ना, समारात और फलों अनाज में कमी से। अभी जो सैलाब आया है और इससे पहले जो टड्डी दिल जो ग्रॉस हॉपर्स होते हैं स्पेशल, उनका जो अटैक हुआ था, पूरी फसल की फसल सिंध पंजाब के देहातों को चट कर गई थी उनकी फसलों को, तो वो भी एक भूख का ज़रिया है, समरात में कमी का ज़रिया है। तो अब ठीक है, उसकी वजूहात कुछ भी होंगी, साजिश होगी, सियासी नागुफ्तगी या अबतरी होगी, इंसान की खुद कोताही होगी, लेकिन बहरहाल मुसीबतें, परेशानियाँ और आजमाइशें आएंगी। वबशर सबरीन लजीना इज़ा असाबत हम मुसीबा, और खुशखबरी सुना उन लोगों को कि जो मुसीबत के आने पर कहते हैं, क्या कहते हैं, इन लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह की तरफ जाना है। कहते हैं कि ये जुमला इन लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब, कथा कि जब वो कोई मौत की खबर सुनते, किसी हादसे की, कोई अफसोसनाक वाक़े की, तो कहा करते थे कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, हमें अल्लाह की तरफ जाना है। तो अल्लाह को ये जुमला इतना पसंद आया कि उसने इस जुमले को कुरान की जीनत बना दिया। तो जो कुरान की आयात पर अमल करें उन्हें असहाब कहते हैं, और जिनके अल्फाज कुरान की जीनत बन जाए उनको अहले बैत कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। तो आप, हम, हमारी नस्लें जो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं, भाई लाइट चली गई मसलन, या जो है खाना जो है वो अपनी पसंद का नहीं पका या नहीं मिला उनको, या कोई ड्रेस ख़रीदना था वो अम्मी ने वो नहीं दिलाया जो चाहिए था, आईफोन या बड़े अच्छे अच्छे मॉडल नए जदीद मोबाइल नहीं मिले, गाड़ी मिली वो नहीं मिली, या मकान या जायदाद या कोई भी चीज़, आपको अपने लेवल, अपनी चीज़, अपने जो ख्वाबों के मुताबिक है वो नहीं मिलती, या मिलती भी है तो आर्जी तौर पर होती है, और फिर जो है उसकी वो खूबसूरती, वो कशिश, वो मलका, वो हुनर, वो चीज़ जिसकी वजह से आप उसको देख के ख़रीदते हैं, वो चीज़ नहीं होती। शादी होती है, शरीक हयात आपको वैसा नहीं मिलता जो आपने सोचा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि किसी को भी अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं मिली। अगर आप बादशाह से भी पूछे ना, अब अमेरिका, इसराइल, ये बड़े बड़े मुल्क जिन्होंने ख़ुद पूरी दुनिया में तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया है ना, तो इनसे भी पूछें तो ये भी कहेंगे कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल रही। तो जब दुनिया के ताकतवर ममालिक के ताकतवर हुक्मरान भी परेशान है कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल रही, तो आपके और मेरे हिसाब से क्या चलेगी। छठे इमाम ने एक दफ़ा फरमाया कि देखो महाल चीज़ों की तमन्ना ना करो। तो लोगों ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी महाल यानी नामुमकिन चीज़ों की तमन्ना करे। तो इमाम ने फरमाया क्या तुम इस दुनिया में आराम और सुकून की तमन्ना नहीं करते। कहे हाँ करते तो हैं। कहे दुनिया में आराम और सुकून कहाँ, आराम और सुकून तो जन्नत में। तो कहने का मकसद ये है कि आराम और सुकून क्या, अगर आप जवान से पूछें, बच्चे से पूछें, बूढ़े से पूछें, हर कोई ये कहेगा नहीं ज़िंदगी गुजरी 80%, 50%, 20%, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो बस जो नहीं मिला वह बशर साबरीन, कि उन लोगों को बशारत दे दो जो मुसीबत आने पे कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। तो लोग बच्चों को भी सिखाएं, ख़ुद भी सीखें कि मुसीबत अगर आए तो इस पे सब्र करें ताकि अल्लाह ताला इस मुसीबत पे अजर दे। शिकवा शिकायत की तो फिर जो अजर मिलना था, मुसीबत तो अपने वक्त पर जाएगी, बीमारी हो, फ़क्र फाका हो, कोई हादसे की वजह से कोई नुकसान पहुँचे, कारोबारी नुकसान हो, कुछ भी हो, वो अपने वक्त में आके चला जाएगा। अगर आपने उस दौरान सब्र का मुजाहरा किया तो ठीक, नहीं किया तो फिर आपको भुगतनी तो है उस बीमारी को, उस सिचुएशन को, उस मुसीबत को, लेकिन अजर नहीं मिलेगा। इसके अलावा सूरह मोमिनून आयत नंबर 115, सूरह मोमिनून कुरान का 23वां सूरह है, चैप्टर 23 वर्स नंबर 115,
अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने समझ रखा है कि हमने तुम्हें अबस पैदा किया? ऐसे ही खामखा वो किसी ने शेर बना लिया है कि ये वतन तुम्हारा है, हमें खामखा इसमें, तो वो तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें खामखा पैदा किया है। वो अन्नकुम इलैना लतुरजाउन, और तुम उसकी तरफ दोबारा पलटाए नहीं जाओगे। तो आपका एक मकसद है ज़िंदगी में जिसे कहते हैं कि आने का, और वो है आजमाइशें। उन आजमाइशों पर अल्लाह की इताअत और सब्र। इस वक्त पूरी दुनिया में काउंसलिंग का एक तूफान आया हुआ है। साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, फिर उसके बाद साइकेट्रिस्ट, उसके बाद फिर काउंसलर, फिर NLP, फिर क्या, इस वक्त स्पिरिचुअल काउंसलिंग का एक फैशन आया हुआ है कि लोग जो है स्पिरिचुअल काउंसलिंग करते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि जो आम काउंसलर हैं, जो आम लाइफ कोचेज हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जो दुनिया में हो रहा है उसमें आप अपनी जगह कैसे बनाएं, कामयाब कैसे हों, ये है लाइफ कोचिंग। और स्पिरिचुअल काउंसलर यानी रूहानी मुशीर आपका, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो आपके अंदर की आवाज़ है वो आप सुने, चाहे आपको नफ़ा हो कि नुकसान हो, उसमें सुकून मिल रहा है। मसलन लोगों को देने में सुकून मिल रहा है आपको, लोगों की मदद करने में, लोगों पर खर्च करने में, तो ठीक है आप ये करें। तो उनका जिसे कहते हैं कि ये कहना है कि हमारे पास ज़्यादातर लोग किस बीमारी में मुब्तला होकर आते हैं, आपको सुनकर आसान हैरत होगी। कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कम विद द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी का मकसद क्या है मुझे बताइए। मगरब में तो यही है ना कि खाना पीना सोना, खा ले पी ले जी ले, ये हमारे यहाँ भी ये होता जा रहा है। तो क्या कॉन्सेप्ट अब तक रहा है कि भाई खाना पीना सोना अय्याशी और शराब नोशी और बस फ्रेंडशिप ये वो, बस हल्ला गुल्ला, यही ज़िंदगी है। अब लोग इस बात से तंग होते जा रहे हैं, कहते नहीं ये मकसद नहीं है ज़िंदगी का, कुछ और भी मकसद है जो हमें बताया नहीं जा रहा है। आपको इंगेज ऐसे किया है ना कि आपको डॉलर कमाने और डॉलर खर्च करने, 5 डेज़ आपको कमाना है, 2 डेज़ आपको उसी को खर्च करना है। तो 5 दिन आप सोचते हैं मैं कैसे कमाऊं, और 2 दिन आप सोचते हैं मैं कैसे खर्च करूं। पूरा हफ्ता आप, फिर दोबारा मंडे को जो है कि ये दोबारा साइकिल शुरू। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ये लोग पूछने आते हैं। तो पर्पस ऑफ लाइफ आपको अगर पूछना है तो कुरान से पूछिए, वला नब्लुवन्नकुम बिशयइन, कि तुम्हें आजमाइशों से गुजारा जाएगा उसमें तुम्हें। पर्पस ऑफ लाइफ आप खुदा से पूछ लीजिए, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंस को नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत करें। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56। सूरह ज़ारियात कुरान का 51वां सूरह है, चैप्टर 51 वर्स नंबर 56। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि इंसान हमारी इबादत करे, जिन और इंस हमारी इबादत करें। इसका जवाब क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए इंसान का? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह अनआम आयत नंबर 162। सूरह अनआम कुरान का 6वां सूरह, चैप्टर 6 वर्स नंबर 162। इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया मेरी जिंदगी, व ममाती मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए। नमाज अल्लाह के लिए समझ में आता, कुर्बानी अल्लाह के लिए समझ में आता है, जान देना अल्लाह के लिए वो भी समझ में आता है। आपने जिहाद किया, आपकी जान चली गई, एक मुश्किल कॉज के लिए हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए खड़े हुए, आपको मार दिया जाता है, ये भी समझ में आता है। लेकिन व महया, मेरी ज़िंदगी तेरे लिए, ये एक दिक्कत तलब बात है, समझने वाली बात है। सबसे मुश्किल अम्र यही है, सब्र करना भी इतना मुश्किल, वो शहादत देना भी इतना मुश्किल काम नहीं। कहते हैं कि शहदा जिनके बारे में कहा जाता है कि बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, बहुत बड़े दर्जात होंगे, कहते हैं जब शहदा जन्नत में दाखिल होंगे तो देखेंगे पहले से कुछ लोग नूर के मिंबरों पे बैठे हुए, और शहदा हैरान होंगे कि ये कौन लोग हैं जो हमसे पहले जन्नत में और नूर के मिंबरों पर, तो यकीनन हमसे बेहतर है, तो ये कौन लोग हैं? तो लोगों को कहा जाएगा ये वो लोग हैं जो सब्र किया करते थे। शहदा कहेंगे भाई तो क्या हुआ, हमने भी तो जान देने पे सब्र किया, हमें तकलीफ़ हुई, हमें ज़ख़म लगा, हमारा सर कलम हुआ, तशद्दुद हुआ, हम इस दुनिया से गए, हमने अपनी जान दी, तो ये भी तो सब्र है। तो कहा जाएगा कि तुमने एक मरतबा सब्र किया, जब तुम्हारी जान चली गई तो सब्र ख़त्म हो गया।
लेकिन इन लोगों ने रोज़ाना सबर किया, इनकी रोज़ाना जान जाती थी और रोज़ाना सुबह ज़िंदा होते थे, फिर रोज़ाना जान जाती थी, रोज़ाना सुबह। कुछ लोग कहते ना ज़िंदगी से मौत बेहतर है, तो वो रोज़ाना मर रहे होते हैं, फिर रोज़ाना जी रहे होते हैं। ये है ज़िंदगी। अगर हम कह दें कि भाई इंसान अल्लाह हमें मौत दे दे, ये तो बहुत आसान काम है। ज़िंदगी में जीना मुश्किल है, मरना बहुत आसान है। या यूँ कह लीजिए कि जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं लोगों में रहकर, वो असल काम है। मस्जिद में रहना, मुसल्ले पे खड़े होना, मजलिस में बैठना, ये भी इतना मुश्किल काम नहीं है। मुसल्ला उठाने से मुसल्ला बिछाने तक की जो ज़िंदगी है, मस्जिद से निकलने से मस्जिद में दाखिल होने तक की जो ज़िंदगी है, मदरसे में आने जाने से मदरसे में आने तक का जो पूरा हफ्ता है, जो लोगों के दरमियान आपको गुजारना है, वो है असल ज़िंदगी। बात बात में आपको सब्र करना है, मजलिस, मदरसा, मस्जिद, यहाँ तो आपके मतलब की बातें हो रही हैं, आपके मतलब के लोग हैं, नेक हैं, बाहिजाब हैं, बारिश हैं, इबादत गुजार हैं, सच बोलने वाले हैं, हमदर्दी करने वाले हैं। लेकिन जब आप अपने अपने मुकामात पर पहुँचेंगे, जो दीन से नफ़रत करते हैं, जो सच से नफ़रत करते हैं, इबादत से मुचराते हैं, और उनके दरमियान कभी वो घर में मौजूद होते हैं, कभी वो पड़ोस में मौजूद होते हैं, कभी रिश्तेदारों में मौजूद होते हैं, लेकिन आप फिर भी उनको देख के मुस्कुराते हैं, फिर भी उनकी कड़वी कसीली बातों को सुनकर चुप हो जाते हैं, ये है असल ज़िंदगी, ये है सबर, जिसका सवाब शहूदा से भी ज़्यादा है। तो अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना लतुरजऊन। क्यों समझ रखा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अब तुम्हें कोई ना कोई मकसद है जिसके लिए पैदा किया गया? और ये वही मकसद है कि जब आज मगरबी दुनिया इस मकसद को तलाश करने के लिए अपने काउंसलर, अपने साइकोलॉजिस्ट, अपने मारे नफ्सियात के पास जा रही है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, जिस मकसद पे हमें लगाया गया है वो मकसद नहीं है। अल्लाह ताला सूरह के पहले मौजू खिलकत इंसान में जो दूसरा पैगाम देता है, वो है नबतली है, हम तुम्हें आजमाएंगे। अब एक इंसान ये कह सकता है कि भाई आजमाएंगे तो ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब पता नहीं हम इस आजमाइश में पूरा उतरे ना उतरे, इस इम्तिहान को कामयाबी से उबूर करें कि नहीं करें, अगर हमें नाकामी हुई तो क्या होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर नाकामी हुई तो ये आपकी अपनी वजह से होगा, खुदा की तरफ से। खुदा ने पूरा एहतमाम किया है कि आप कामयाब हों। क्यों? अल्लाह फौरन फरमाता है, ये इसका तीसरा पैगाम इस पहले मौजू का, कि नबतली के बाद अल्लाह ताला फरमाता है फजअलनाहु समीअन बसीरा, बस हमने तुम्हें सुनने वाला और देखने वाला बनाया। यानी अल्लाह ने आपको ऐसी ताकतें कुव्वतें अता फरमाई कि जिससे आप किसी भी शय, किसी अम्र, किसी हादसे, किसी भी शख्स, किसी भी बात को देखकर, सुनकर एनालाइज कर सकते हैं, तहलील तजज़िया कर सकते हैं, और फिर अकल भी दी। ये तो मिसाल के तौर पर कहा है, समीअन बसीरा, सुनने वाला और देखने वाला बनाया, क्योंकि ये दो हिस्से ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और नंबर वन फ्रंट पे, फोर फ्रंट पे दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले आप इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, देखने को और सुनने को। उसके बाद अकल का नंबर आता है, उसके बाद तमाम हमासे खमसा का नंबर आता है। तो अल्लाह ताला ने आपको समीअन बसीरा, समी और बसीर बनाया कि आप देखें, सुनें, समझें, तजज़िया करें और फिर फैसला करें कि क्या सही है क्या गलत है। और सिर्फ यही नहीं, हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास आँखें और कान होते हैं फिर भी बहक जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक और इंतज़ाम किया जो अंबिया की सूरत में, आइम्मा की सूरत में अल्लाह फरमाता है इन्ना हदैना हुस्सबीला, हमने तुम्हारी रहनुमाई सिरात मुस्तकीम की तरफ कर दी। यानी एक तो अक्लो शऊर दिया, इसको हम कहते हैं कि इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, आपके मोबाइल में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके बाद जो बाहर के सिग्नल्स हैं, बाहर की कैलकुलेशन है, यानी इसके अंदर कैलकुलेटर मौजूद होगा तो ये काम करके आपको बताएगा ना, और जब तक आप कैलकुलेट करने के लिए नंबर्स नहीं लिखेंगे ये काम नहीं करेगा। इसी तरह इसमें जो है वो फ़ोटो खींचने के लिए, स्नैप खींचने के लिए कैमरा मौजूद है, लेकिन जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई मंजर सामने नहीं होगा, या यूँ कह लीजिए कि अंधेरा होगा तो फ़ायदा नहीं। तो एक तो आपको आंखें चाहिए होती हैं और एक आपको रोशनी भी चाहिए होती है। आंखें आपका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, और रोशनी बाहर की जो है वो ज़रूरत है कि जब तक रोशनी नहीं होगी आप देखेंगे कैसे। तो अल्लाह ताला ने समीअन बसीरा,
की सूरत में आपको समीह और बसीर बनाया। उसके बाद इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने तुम्हें राह दिखा दी, किताब देकर हमने तुम्हें राह दिखा दी, रसूल भेजकर, या उसके बाद आइम्मा भेजकर, किताब और उताब किताब का उस्ताद। तो दाखिले हवाले से वो भी ज़रूरियात पूरी कर दी, देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला। फिर आज़ा जबारे में ताकत रखी कि इबादत कर सकें, रोज़ा रख सकें, हज की सहूबतें बर्दाश्त कर सकें। तो आपको एक मुकम्मल जिस्म दिया आज़ा जबारे, हवा से खमसा, अकल की सूरत में ताकत दी, सकत दी। और उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर, खारजी अवामिल, यानी नबी और किताब। नबी मौजूद हो तो नबी से पूछ लें, नबी मौजूद ना हो तो किताब खोल कर पढ़ लें, कुरान खोल कर पढ़ लें। तो दाखली और खारजी हमारे से आपको मुकम्मल हिदायत दे दी। उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि इसके बावजूद अल्लाह ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, मुकम्मल इख्तियार दिया। इस पहले मौजू का चौथा पैगाम, इम्मा शाकिरं व इम्मा कफूरं, चाहो तो तुम शुक्रगुजार बंदे बनो, चाहे तो तुम कुफरान नेमत करो, काफिर बनो। एक दफ़ा रसूल के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि मेरा भाई क्रिश्चियन हो गया, ईसाई हो गया, मैं उसको चाहूँ तो ज़ोर ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल कर सकता हूँ, मजबूर कर सकता हूँ इस्लाम लाने पर। तो ये आयत उतरी, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, वरना हर नबी तलवार लेकर आता। रसूलुल्लाह ने भी जो तलवार निकाली वो डिफेंस, दिफा के तौर पर उतारी। ये नहीं कि तुम मुझको मान लो नबी वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूँगा, इसमें तो हर कोई, नबियों को नबी क्यों नहीं, बादशाह क्यों नहीं बनाया, इसीलिए नहीं बनाया कि बादशाह बना देते हैं तो सबके सब मुसलमान हो जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना कि भाई आइम्मा को खिलाफत भी दी गई थी विलायत के साथ, बल्कि खिलाफत विलायत का हिस्सा है, तो हमारे आइम्मा इससे क्यों महरूम रहे? अगर उनके पास कुर्सी, इख्तदार, हुक्मरानी होती, खिलाफत होती, तो कितना हमारा मज़हब फलता फूलता, फलता फूलता नहीं। तो उसे कहते थे कि हर एरा गैरा नत्तू खैरा आपके पास जमा हो जाता कि भाई कुर्सी इख्तदार इनके पास है, अगर नहीं माना तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। उस अमल का, उस ईमान का क्या फ़ायदा होता जो कुर्सी और इख्तदार के रोब की वजह से इंसान कबूल करता और इस्लाम लाता। सिर्फ़ एक नबी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो भी उनके कहने पर रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कि अम्बिया बादशाहों का दौर दौरा है कि बहुत लोगों की बादशाहतें फैली, तो मुझे ऐसी बादशाहत दे कि तमाम बादशाह हैरान हो जाए। उमर का सबा जो है वो हैरान हो गई थी बिल्कुल, तो इसलिए उनको दी गई थी। वरना तो हकीकत तो यह है कि इब्तलाआत, मसाइल, परेशानियों में आप इस दीन को समझें और इस दीन में दाखिल हों। तो अल्लाह ताला कहता है कि इम्मा शाकिरं व इम्मा कफूरं, कि तुम चाहो तो शुक्र करने वाले बंदे बनो, इसको कबूल कर लो, तुम चाहो तो कुफ्रान नेमत करो और कबूल ना करो। चौथा पैगाम, अब अल्लाह ताला जो है वो बता रहा है कि कबूल करने वालों का, शाकिरम शाकिर लोगों का क्या अंजाम होगा, और कफूरा काफिर, कुफरानी नेमत करने वालों का क्या अंजाम होगा। काफिरों के लिए अल्लाह ताला ये चौथा, पांचवा, चौथा पैगाम है कि पांचवा, पहला पैगाम क्या था, इब्तिदा, दूसरा पैगाम आजमाइश, तीसरा पैगाम, हाँ यानी नेमतें, आसाइश जो कि आजमाइश के लिए हैं, चौथा पैगाम यानी जबर, जबर नहीं है। अच्छा, पांचवा पैगाम कि जिसमें अल्लाह ताला ने सजा व जजा बता दी है, जो इनकार करेगा, इन्ना आतदना लिल काफिरीना सलासिला व अगलालम व सईरा, कि जो कुफ्राने नेमत करेगा उसके लिए हमने तैयार कर रखा है, क्या तैयार कर रखा है, अजाब, अजाब किस तरह का, सलासिला जंजीरें, अगलालन तौक, सईरा शोले। जहन्नम की आग के बारे में कहा जाता है कि जहन्नम की आग को 1000 साल तक सुलगाया गया, वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक सुलगाया गया, वो नीली पड़ गई, फिर 1 साल तक सुलगाया गया, वो सयाह पड़ गई। इस वक्त जहन्नम की आग सयाह है, यानी आप जहन्नम की आग में जब खुदा न खासा कोई डाला जाएगा तो उसको कुछ नज़र नहीं आएगा। देखिए, कुछ नज़र ना आना, अंधेरा, घटा टोप, स्याही, ये खुद एक हैबतनाक माहौल है। आप अपने घर में होते हैं, लाइट चली जाती है, घबरा जाते हैं ना एकदम से, कोई जलजला, तूफान, सैलाब, कुछ भी नहीं आया, लेकिन आप क्या कहते हैं, भाई फ़ौरन लाइट जलाओ, कुछ नज़र नहीं आ रहा, फ़ौरन लाइट जलाई जाती है। तो ये अंधेरा होना ये खुद एक अजाब से कम नहीं है।
तो जहन्नम की आग को सुलगाया गया, पहले वो सुर्ख हुई, फिर नीली हुई, फिर अंधेरा छा गया। कहते हैं कि जब तख्लीक़े चादा मासूमीन हुई तो एकदम से अंधेरा छा गया, तो फरिश्ते हैबत से कांपने लगे और कहने लगे, या खुदा इस कायनात में रोशनी कर, हमें कुछ नज़र तो आए। तो अल्लाह ताला ने नूर फातिमा को तख्लीक किया। कायनात में रोशनी हुई और लोगों को सबर आया। तो जहन्नम की आग एक अपना अजाब और खुद अंधेरा एक दूसरा अजाब, कि क्या शिद्दत होगी इस आग की। कहा यह जाता है कि जहन्नम की आग में जलने वाले को अगर दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो वो सुकून से सो जाए, यानी एसी के बराबर है, एयर कंडीशनर के बराबर है दुनिया की आग जहन्नम में जलने वाले आदमी के सामने। ये एसी के जो आप उंगली डालें तो आप परेशान हो जाएं, चूल्हे के करीब खड़े हों तो आप परेशान हो जाएं। अच्छा, ये भी नहीं मालूम कि ये चूल्हे की आग या लकड़ी की आग से तकाबुल किया जा रहा है जहन्नम की आग को, या उस आग से जो के सेंटर ऑफ द अर्थ, मरकज़े अर्ज, दुनिया के मरकज़ में है। दुनिया के मरकज़ का टेम्परेचर आपको मालूम है कितना है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो कुछ नहीं मालूम कि शायद उससे कंपेयर किया गया हो, लेकिन जिससे भी कंपेयर किया गया हो आप अंदाज़ा लगा लें। कहते हैं कि हमारे यहाँ दुनिया की आग में चीज़ जल के खाकस्तर हो जाती है, इंसान का जिस्म जब जल जाता है तो फिर उस पर असर नहीं होता किसी चीज़ को, क्योंकि नर्व एंडिंग्स, पेन, सेंसिटिव नर्व्स, वो भी जल जाती हैं। जहन्नम में जब आपकी खाल जल जाएगी, किसी की खाल जल जाएगी, तो उस खाल को उतारा जाएगा, फिर नए सिरे से खाल को चढ़ाया जाएगा ताकि उसको मज़ीद ताज़ा ताज़ा और शिद्दत से तकलीफ़ महसूस हो। ये नहीं कि उसको आदत पड़ जाएगी, कभी मुझे तो आदत हो गई जलने की। और कह देंगे जहन्नमियों के जिस्म को तूलो अर्ज में बढ़ा दिया जाएगा कि गर्दन से लेके कंधे तक का फासला 3 दिन का, ताकि जितना बड़ा जिस्म होगा उसको जितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी उतना बड़ा एरिया जो है वो सफ़र करेगा। तो ये है वो जहन्नम की आग, इसके बारे में कहा जाता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रोटेक्शन या शील्ड जो जहन्नम से आग की आग से बचाने वाली है, वो जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह की आग। इसके बाद नेक लोगों की जजा, सजा का तज़किरा हो गया, जजा का, इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा। और नेक लोग उन प्यालों में पिएंगे कि जिन प्यालों में काफूर की आजमाइश आमेजिश होगी। काफूर जो लज्जत वगैरह के लिए किसी पकवान में डाला जाता है, और ये किसी चीज़ का इम्तिजाज या उसकी ज़्यादती इसलिए की जाती है कि ताकि दो किस्म के टेस्ट जमा हो जाए। हम ख़ुद अपने इलाकों में पीते हैं, लिमका ड्रिंक पीते हैं, जब तक लिम्बू ना हो तो वो लिमका नहीं कहलाएगा। हम जो शेक पीते हैं उसमें जो है वो कोई फ्रूट डाल दिया जाता है, उसको फिर बनाना शेक या जो भी मैंगो शेक का नाम दे दिया जाता है। हम जो आइस कॉफ़ी पीते हैं उसमें चॉकलेट की टॉपिंग होती है। तो अल्लाह को मालूम था कि ज़माना आएगा टर्मेरिक कॉफ़ी जो है स्टारबक्स वालों ने निकाली हुई है, तो वो टॉपिंग इसीलिए है कि उसका इसकी लज्जत जो है मज़ा दुबाला हो जाए। तो अल्लाह ताला ने भी इस तरह की जो है वो टॉपिंग या इस किस्म की जो है लज्जत है, तो बस एक नेमत है जिसका तज़किरा किया गया है। तो ये है वो जजा व सज़ा। अच्छा, ये जो जजा व सज़ा है अल्लाह ना भी बतलाए तो भी आपके अंदर मौजूद है। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है उन्होंने पढ़ा होगा कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस में एक सेंटर है जिसको हम कहते हैं पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सेंटर, कि जब इंसान कोई सही काम करता है तो रिवॉर्ड सेंटर उसको खुश कर देता है, उसका मूड ठीक हो जाता है। और पनिशमेंट सेंटर, जब आप कोई गुनाह करते हैं तो वो पनिशमेंट सेंटर आपको गिल्टी कॉन्शियस एक परेशानी में मुब्तला कर देता है। इररिस्पेक्टिव कि आप किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं कि नहीं, इररिस्पेक्टिव कि आपका खुदा पे भी बिलीव है कि नहीं, कि ऐसा शख्स जब वो झूठ बोलेगा उसको फील होगा कि ये मैंने गलत काम कर दिया, मैंने जो है किसी पे जुल्म किया तो ये मैंने गलत काम कर दिया। हद
تھا کہ شراب اور سمور اور جتنی بھی چیزیں, موسیقی مثلا جو عام لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں تو یہ گناہ نہیں ہے, حالانکہ عیسائی مذہب میں بھی یہ سب گناہوں میں شمار ہوتے ہیں, لیکن فرض کر لیں جو عام معاشرے میں یہ کانسیپٹ ہے بھائی یہ تو گناہ نہیں ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں نا جو کینیڈا, امریکہ, یورپ, آسٹریلیا میں رہتے ہیں, ان سے آپ بحث کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان میں یہ برا یہ برا یہ برا, تو ہم کہتے ہیں بھائی وہاں پہ بھی تو برائی ہیں, شراب ہے, سور ہے, ایڈلٹری ہے, یہ تمام بے راہ روی, یہ تمام چیز, کہ نہیں یہ ان کی یہاں برائی شمار نہیں ہوتی, یہ برائی ہے ہی نہیں, تو اگر وہ کر رہے ہیں تو اس میں کیا ایسا مذاق. حالانکہ عیسائی مذہب میں بھی, یہودی مذہب میں بھی یہ سب برائیاں موجود ہیں, خصوصاً اسرائیل آپ چلے جائیں, اللہ نہ کرے آپ جائیں, تو وہاں پہ جو بزرگ لوگ ہیں, بڑے بوڑھے لوگ ہیں, وہ بہت ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں عورتوں کو, بھی اپنا حجاب تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے, حجاب کا بہت کانسیپٹ ہے وہاں پہ, جو آرتھوڈاکس قسم کے جسے کہتے ہیں جیوز ہیں, عبادت کا بہت کانسیپٹ ہے, ان کی داڑھیاں آپ نے دیکھا ہوگا, ان کی عبادت آپ نے, جو راسخ العقیدہ اس طرح عیسائیوں میں بھی ہے, لیکن بس عیسائیوں نے تو اپنے آپ کو بالکل الگ کر دیا ہے کہ یا تو بالکل آپ راہب بن جائیں یا پھر مادر بدر آزاد بن جائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہو یا نہ ہو, آپ خدا میں بلیو کرتے ہوں یا نہ ہوں, لیکن یہ فطری بات ہے, اچھا کام کریں گے تو دل میں ایک راحت و سرور پیدا ہوگا, اب برا کام کریں گے تو ایک گلٹی کانشنس, ایک ضمیر کی خلش آپ کے اندر محسوس ہوگی. تو یہ سب کیا ہے, ریوارڈ پنشمنٹ ریوارڈ سینٹر جو کہ ہائپو تھیلمس کے اندر موجود ہے, جو گناہ کرنے پہ آپ کو سونے نہیں دیتا, خوشی کرنے پر, نیکی کرنے پر آپ کو خوشی کی نیند جسے کہتے ہیں وہ سلا دیتا ہے. تو یہ وہ گناہ اور ثواب کا مرکز یا کانسیپٹ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ان بلٹ کر دیا ہے, جیسے سمیع ام بصیرہ, آنکھ اور کان دیے, عقل دی داخلی طور پہ تاکہ آپ بیدار رہیں کہ میرے آس پاس جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. یہ ہے پہلا موضوع اور اس کے اندر موجود پانچ پیغامات. اس کے بعد دوسرا موضوع نیک انسان کی خصوصیات, درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہ تعالیٰ ساتویں, آٹھویں اور نویں, سیون, ایٹ اینڈ نائن ورسز آیات میں نیک انسانوں کی خصوصیات بتلا رہا ہے, اور ان خصوصیات میں وہ واقعہ بھی مذکور ہے اس کی طرف اشارہ ہے, جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صاحب کے ساتھ اہل بیت کے گھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب حسن حسین بیمار ہیں, بلکہ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, تو وہ جناب سیدہ اور علی مرتضیٰ سے کہتے ہیں کہ تم دونوں جو ہیں کوئی نظر مان لو تاکہ تمہارے بچے ٹھیک ہو جائیں. تو انہوں نے نظر مانی تین روزوں کی, اور تین روزے ان کے ٹھیک ہونے پہ رکھے, اور کہا جاتا ہے کہ پہلے دن جب وہ افطار کے لیے بیٹھے تو کوئی جو ہے سائل آیا, اور جس کے بارے میں قرآن کے مطابق مسکین آیا, تو کہتے ہیں کہ جناب علی نے اپنی روٹی دی بھی, جناب سیدہ, جناب فضہ, حسن حسین, تمام لوگوں نے پانچ روٹیاں دے دی, پانچوں کی پانچ, کسی نے کچھ اپنے پاس نہیں بچایا, پانی پی کے روزہ افطار کر لیا. دوسرے دن یتیم آیا تو پھر مولا علی نے پھر جناب سیدہ, جناب فضہ, حسن حسین, پانچوں روٹیاں جو ہے اس یتیم کو دے دی. اس کے بعد تیسرے دن تیسری مرتبہ پھر ایک اسیر آیا قیدی, اس کو بھی پانچوں نے اپنی روٹیاں دے دیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ آیت جو ابھی آ رہی ہے اس ٹکڑے میں وہ اتاری. اللہ تعالیٰ پہلی صفت, دوسرا موضوع ہمارا نیک انسانوں کی خصوصیات, اور پہلی صفت بتلا رہا ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْر, وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. نظر یعنی جب آپ باقاعدہ طور پہ صیغہ پڑھتے ہیں اور یہ اللہ سے عہد کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, مثلاً میں امتحان میں پاس ہو گیا تو دو رکعت نفل پڑھوں گا, میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تین روزے رکھوں گا مثلاً. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ نیک لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ نظر جو واجب ہے جو کرنی ہے, ایک یعنی ایسا وعدہ عہدہ, ایسا عہد جو آپ اللہ سے کرتے ہیں جو آپ کو پورا کرنا ہے. اگر آپ غور کریں تو ہم سب نے عالم ذر میں اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا. عالم ذر کیا ہے؟ ہماری اس دنیا, اس پیدائش سے پہلے ہم ذرات کی شکل میں تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کے خاتم, خاتم سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ذروں, ایٹم, خلیوں کی صورت میں جمع کیا اور پوچھا الستو بربکم, تو انہوں نے کہا قالو بلا شاہدنا, کیوں نہیں, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کہا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام ذرات سے اپنی توحید, رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کا عہد و پیمان لیا, اور پھر اس کے بعد
इस दुनिया में भेजा। अच्छा, यह भी हमें मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस अहद पैमान को कागज़ पे लिखवाया, जिस फरिश्ते से लिखवाया उसी फरिश्ते के मुंह में ये कागज़ जिस पे लिखवाया गया अहद पैमान और लोगों के नाम, उसके मुंह में डाल दिया और फिर उस फरिश्ते को पत्थर बनाकर ज़मीन पर भेजा। अब वो हजर असवद की सूरत में खाने काबा में नसब है। पहले सफ़ेद था लेकिन लोगों के गुनाहों की वजह से अब स्याह बन चुका। जो लोग हज पे जाते हैं तो एक ख़ास दुआ है कि जो जिक्र है जो वो हजर असवद के सामने खड़े होकर पढ़ते हैं उसमें इस वादे का, इस नज़र का जैसे कहते हैं कि तज़किरा मौजूद है। और कुरान में सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 85 में ये तज़किरा मौजूद है इस आलम ज़र में लिए गए अहद का। सूरह बनी इसराइल कुरान का 70वां सूरह है, चैप्टर 17 वर्स नंबर 85। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शाहिदना। तो ये वो पहला दौर हयात है, इंसान पर 6 अदवार हयात गुज़रते हैं, गुज़रेंगे। अल्लामा सैयद सादिक नजमी ने अपनी किताब में आलम अदवार के 6 मराहिल या हयात इंसानी के 6 मराहिल में लिखा है। पहला दौर आलम ज़र जिसका भी तस्करा किया, उसके बाद आलम सुल्ब, उसके बाद रहम मादर, फिर चौथा दुनिया ज़िंदगी जिसमें अभी हम जी रहे हैं, फिर पांचवा आलम बरज़ख मरने के बाद रोज़े महशर तक, फिर छठा और आखिरी रोज़े महशर कि जिसमें जन्नत और दोज़ख में लोग जाएंगे। तो वहाँ पर भी एक अहद किया गया था, उसको भी आपको निभाना है। ये वो वाली नज़र तो नहीं है लेकिन बहरहाल अहद तो था। तो यूफून बिन नज़र, नेक इंसानों की पहली खसूसियत ये हैं कि वो अपनी नज़र को पूरा करते हैं। नंबर 2, यखाफूना यौमन काना शर्रहू मुस्ततीरा। नंबर 2, दूसरा पैगाम, दूसरे मौजू का दूसरा पैगाम कि वो डरते हैं उस दिन से कि जिसका शर, जिसका नुकसान, जिसका जिसकी हैबत, जिसका खौफ फैला हुआ है, मुस्ततीरा। देखिए, नेक काम करना आसान है, गुनाहों से बचना भी आसान है, लेकिन डरते डरते ज़िंदगी गुजारना ये बड़ा मुश्किल काम है। आप 2-4 नेकियां करते नहीं हैं, आपके अंदर एक घमंड पैदा हो जाता है, क्या मेरा हिजाब, क्या मेरी नमाजें, क्या मेरे रोज़े, क्या मेरा इखलाक, क्या मेरी गुफ्तगू, माशाल्लाह मैं तो घर में सबसे बेहतर हूँ, अपने रिश्तेदारों में सबसे बाअमल हूँ। और गुनाह नहीं, हमने तो गुनाह किए, बड़ी मुश्किल से याद आते हैं। अपनी नेकियां, आप फ़ज़ाइल यूं करके बयान करना शुरू करते हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। और आपसे पूछा आपने गुनाह कितने किए, गुनाह तो पता नहीं, हमने शायद 2-4 किए होंगे, कभी अब याद नहीं है, वो भी मकरूहात में से होंगे, गुनाह भी नहीं होंगे। तो इंसान नेकियाँ याद रखता है अपनी, घमंड करता है, तकब्बुर करता है, अभी तकब्बुर के हवाले से गुफ्तगू हुई, और गुनाहों को भूल जाता है फ़ौरन कि अल्लाह ने माफ़ कर दिए होंगे। आपको कैसे पता कि अल्लाह ने माफ़ कर दिए होंगे? क्या गारंटी, कोई वही, कोई इल्हाम, कोई इशारा, किनाया, कुछ नहीं। तो नेकी करने वाले फ़ौरन के फ़ौरन घमंड में मुब्तला हो जाते हैं और गुनाह करने वाले बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि भाई हमने तो गुनाह किया नहीं, अगर किया भी है तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया होगा। मौला फरमाते हैं कि वो गुनाह जिसके बाद तुम्हें निदामत हो उस नेकी से बेहतर है कि जिसके बाद तुम्हें तकब्बुर हो जाए। तो गुनाह के बाद गुनाह करना अच्छा नहीं है, गुनाह के बाद जो निदामत होती है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। नेकी बुरी नहीं है, नेकी के बाद जो घुमंड होता है, तकब्बुर होता है, वो बुरी चीज़ है। ठीक है ना, मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर एक ज़अम, गुनाह नहीं, ज़अम आया कि मैं सबसे बड़ी शख्सियत, मैं सबसे बड़ा आलिम, मैं सबसे बड़ा, ये कीड़ा मेरे सामने क्या हकीकत रखता है। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अभी तुम्हारी क्या हैसियत है। तो तकब्बुर, ज़अम उनको भी नहीं करना चाहिए जो कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को जहन में रखते हुए। तो यखाफूना यौमन, उस दिन से डरते हैं कि जिस दिन का खौफ। तो ये तो आयत नेक लोगों के लिए तो है, लेकिन नेक लोगों में अब्रार में जो रोल मॉडल्स हैं उनको मुखातिब करते हुए अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी। यानी इन आयत का जो मुखातिब हैं वो अहले बैत हैं फर्स्ट, कि वो अपनी नज़र को पूरी करते हैं जो नज़र उन्होंने मानी थी जनाब असनान के हवाले से। या खाफूना, डरते हैं, उनका क्या डरना, उनकी डरने की क्या तुक बनती है, वो तो नेकियां ही करते थे और नेकियां जाहिर सी बात है जब करते थे तकब्बुर नहीं करते थे और गुनाह तो करते ही नहीं थे।
उसके बावजूद इस्तग़फ़ार करते थे, वो भी डर रहे हैं, तो फिर हमें तो बदर्जे औला जिसे कहते हैं कि डरना चाहिए। रसूल इस्तग़फ़ार करते थे, दिन में 25-25 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये इस्लाम बड़ा मुश्किल है, वाजिबात हैं, मुस्तहबात हैं, पता नहीं क्या क्या मसाइल, ये करो वो करो, बड़ा मुश्किल मज़हब है। पहली बात तो यह है कि इस्लाम में ना करने के ज़्यादा नंबर हैं, करने के कम नंबर हैं। तकवा जो हम कहते हैं ना, इतना लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल, तकवा क्या है? वक़ा यकी के मादे से हैं, बचना, गुनाहों से बचना, ये कहते हैं बड़ा ज़रूरी है, नेकी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? जब आप गुनाहों से बचेंगे तो आपके अंदर एक खला पैदा होगा। जब आदमी कोई काम नहीं करेगा तो इधर उधर देखेगा मैं क्या करूं, तो फौरन उसको नेकियां घेर लेंगी, उसका खुद ब खुद जी चाहेगा। एक वैक्यूम जब क्रिएट होता है तो आसपास जो चीज़ होती है उस वैक्यूम में आ जाती है फौरन। तो असल चीज़ है गुनाहों से बचना, जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। नेकियों पे तो बड़ा ज़ोर होगा, कहते नमाज़ पढ़नी, ये करना, वो करना, वो करना। गुनाह जो नेकियों को वॉश आउट कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसका होश ही नहीं है आपको। तो गुनाहों पर फोकस करें, गुनाह नहीं होने पाए बाकी चीज़ें। भाई मौलाना ने पूछा था ना कि हम रमज़ान को पाएँ तो क्या करें, तो रसूल ने क्या कहा? गुनाहों से बचो। खज़र अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपको अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा कैसे दिया, यानी आप मूसा अलैहिस्सलाम के उस्ताद, क्या कहा उन्होंने? गुनाहों से बचने के सबब। तो गुनाहों से बचना ही क्या, खौफ, यानी गुनाहों से बचने का बेहतरीन तरीका है कि अपने अंदर खौफ पैदा करें। और जैसे मैंने अभी आपको कहा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे हमें वो हो कि बैठे बिठाए जन्नत मिल जाए और कुछ करना ना पड़े। तो एक तरीका है जिसमें आपको बैठे बिठाए जन्नत मिल जाएगी, क्या तरीका है? वो खौफ़े इलाही अपने अंदर पैदा करें। पूरी की पूरी जन्नत मिलेगी सिर्फ खौफ़े इलाही में पास होने पर, कोई काम नहीं, सिर्फ खौफ़े इलाही। कैसे? सूरह रहमान आयत नंबर 46। सूरह रहमान कुरान का 55वां सूरा है, चैप्टर 55 वर्स नंबर 46। वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, तस्निया का सीखा है, अरबी में वाहिद होता है, तस्निया होता है और जमा होता है, जन्नतान दो जन्नतें। वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें। एक शख्स आया रसूल के पास और कहने लगा कि क्या मेरा हिसाब सबके सामने होगा, मेरे गुनाहों को सबके सामने आश्कार किया जाएगा, सबके सामने बतलाया जाएगा? नामा अमल खुला, रसूल ने कहा, चीख मारी और मर गया इस खौफ और उस शर्मिंदगी के मारे कि मैं सबके सामने, अपने बीवी बच्चों के सामने, दोस्त अहबाब के सामने, पड़ोस अहबाब रिश्तेदारों के सामने, जानने वालों के सामने हिसाब दूंगा कि और मैंने क्या क्या किया, ये अल्लाह बतलाएगा। तो उस खौफ से, उस परेशानी से, उस वक्त को याद करके जो है अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दें। तो वलेमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरेगा उसके लिए दो जन्नतें। यानी जो आप नेक अमल करेंगे और गुनाहों से बचेंगे उसके लिए जन्नत तो है, लेकिन आप अपने अंदर खौफ इलाही रखते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे, नेकियाँ करेंगे और गुनाहों की बात तौबा करेंगे, उसके लिए एक अलग जन्नत, यानी बाय वन गेट वन फ्री। एक बर्गर खरीदते हैं, दूसरा बर्गर फ्री, लोग क्या कहते हैं? दूसरा बर्गर दे दें। क्यों दे दें भाई? पैसे देंगे ना, आपने तो खुद तो कहा गेट वन फ्री, तो दूसरा बर्गर तो फ्री है ना। कहेंगे नहीं, पहले के पैसे दो फिर दूसरा फ्री मिलेगा। तब आप ये नहीं समझिएगा भाई मौलाना साहब ने हमें बता दिया जन्नत फ्री, जो है आप खौफ में मुबतला हों, बस जन्नत मिल गई आपको, बस आप नमाज रोज़ा सब छोड़ दें। आप वो कहते ना कि वो सिरात मुस्तफा, वो पुले सिरात पे एक साहब नमाज रोज़ा कुछ भी नहीं करते थे। कहें भाई क्यों नहीं करते? कहेंगे मैं तो वैसे ही चला जाऊँगा। कहें कैसे चले जाएंगे भाई? पुले सिरात पे फरिश्ता खड़ा होगा, वो पूछेगा अब कौन हो, कहाँ से आए हो? तो मैं कह दूँगा मैं जाफरी हूँ, तो फरिश्ता मुझसे कहेगा जा फ्री, तो फ्री में चला जा। तो सिक्के कोई हिसाब किताब नहीं। हम कहते हैं ना वो पुलिस वाला मिल जाए, कहाँ से है भाई? मैं फलां का बंदा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जाए फ्री, आओ आपके लिए कुछ नहीं। तो कुछ लोगों को ये जामे में हम जाफरी हैं या हम जो है मौला के मानने वाले, मौला के मानने वाले को तो ज़्यादा हिसाब किताब होगा भाई। तो आप अपने मौला के जो है वो अफकार, नज़रियात और आमाल की झलक तो दिखाएँ, वो तो होनी चाहिए आपने। तो बहरहाल, तो वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें हैं। एक तो वो
कंपलसरी मैंडेटरी हमारे होते हैं ना कंपलसरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो ये जन्नत ऑप्शनल है, आपको वैसे ही मिल जाएगी। किसी से लड़ाई हुई, अपने जो आपको जीत दिया जाएगा शरीक हयात पार्टनर का, मैं अपनी दूसरी जन्नत में जा रही हूँ, जिस तरह आप लोग कहते हैं मैं के जा रहा हूँ, या शौहर कहता है कि मैं जो हूँ घर में फला जगह जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, तो जन्नतान दो जन्नतें मिलेंगी, एक जन्नत नेक अमाल गुनाहों से बचने के लिए, नेक अमाल करने के लिए, और दूसरी जन्नत खौफ। देखिए खौफ किस तरह पैदा हो सकता है, आपने नेक अमल किया, अब आप फौरन क्या कहते हैं, भाई मैंने इतनी नमाज़ें पढ़ ली, इतने कुरान ख़त्म कर लिए, इतनी नेकियाँ कर ली, आप ये सोचें कि ये जो नेकी की है ये कबूल होगी कि नहीं, मैंने जो नमाज़ पढ़ी है वो इस काबिल थी कि अल्लाह कबूल कर ले, जब नेकियाँ करें तो क्या जहन में लाएँ पता नहीं ये कबूल हुई कि नहीं, नंबर वन। नंबर टू, जब गुनाह करें और गुनाह के बाद इंशाअल्लाह तौबा तो ज़रूर करेंगे, तो आप ये जहन में लाएँ पता नहीं ये गुनाह माफ़ हुआ होगा कि नहीं, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की होगी कि नहीं, तो ये खौफ रख के अगर हर वक्त ज़िंदगी गुजारें कि मैं अल्लाह के हुजूर कैसे खड़ा होऊंगा, कैसे हिसाब किताब। देखिए इसमें कुछ भी वक्त नहीं सर्फ हो रहा है, कोई काम करने को नहीं दिया जा रहा है, नमाज रोज़ा ज़कात हज ज़ियारत कुछ काम नहीं करना, सिर्फ दिल में ख्याल है जो पैदा करना है आपके, और ये ख्याल ना सिर्फ फ्री वाली जन्नत बाय वन गेट वन फ्री वाली जन्नत आपको दिलाएगी, बल्कि जो वाजिब जन्नत है मैंडेटरी आमाल करने के सबब गुनाहों से बचने के सबब वो जन्नत भी दिलाएगी। जब खौफ पैदा होगा तो खुद बखुद ये बात पैदा होगी, भाई अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो मुझे अजाब मिलेगा, खुद बखुद ये खौफ पैदा होगा जो गुनाह किया फ़लाँ 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 अगर माफ़ नहीं हुआ तो कितनी मुझे जो है वो सज़ा भुगतनी होगी। तो ये खौफ इलाही आपको ये चीज़ भी दिला सकता है और दूसरी चीज़ भी दिला सकता है। भले मन खाफ मकाम रब ही जन्नतान, के ये लोग या खाफूना यौमन काना शर्रहु मुस्ततीरा, उस दिन से डरेंगे जिस दिन जो है वो खौफ और दहशत जो है वो फैली भी होगी। उसके बाद वो वाकया कि वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, तीसरा पैगाम, और वो खिलाते हैं, तीसरा पैगाम दूसरे मौजू का कि वो खिलाते हैं। जी खाना खिलाना एक बहुत बड़े सवाब बहुत बड़ी नेकी का काम है, और सिर्फ ये इसके लिए नहीं है कि आप जो हैं वो भूखों को मिस्कीनों को यतीमों को, नहीं नहीं किसी को भी खाना खिलाएं। हदीस में वारिद हुआ है कि जो खाना तीन लोगों को खाना खिलाता है अल्लाह ताला उसको तीन बागों से सैराब करेगा, तीन बागों से खाना खिलाएगा। और एक जगह आया है कि खाना खिलाना 10 गुलामों को आज़ाद करने से बेहतर है, और एक जगह आया है कि खाना खिलाने का इतना सवाब है कि जो मज़कूर ही नहीं है। एक तो नमाज़ शब के हवाले से हमें मिलता है कि कुरान में इमाम शिशम फरमाते हैं कि नमाज़ शब का इतना सवाब है कि कुरान में लिखा ही नहीं गया, यानी पूरा कुरान भर जाए और कोई जगह ही ना बचे किसी नेक अमल की जज़ा के लिखने के लिए, तो नमाज शब का इतना सवाब है, तो नमाज फजर का जो वाजिब है रोज़ों का और बाकी लोग कितना सवाब होगा। तो या तो नमाज शब के बारे में मिलता है कि इतना सवाब कि जो मज़कूर ही नहीं है मुकम्मल तौर पे, मज़कूर का मतलब है मुकम्मल तौर पे मज़कूर नहीं है, और एक खाना खिलाने के लिए। और ये हमने बता दिया आपको, ये फ़कत फ़कीरों फ़कीरों मिस्किन के लिए नहीं है, किसी को भी, घर वालों को आपने ट्रीट दे दी, घर वालों को आपने चलो भाई आज फ़लाँ जगह चलते हैं या फ़लाँ चीज़ खाते हैं या पका के खातून खाना ने जो है वो खिला दी, ये उसी में जिसे कहते हैं शुमार होगा। हमारे यहाँ जो है वो जब खाना खाते हैं तो बिल देते हुए जो दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं, या दावत करने का कहा जाए तो वो टेंशन में खातून खाना आजकल तो बस वो देख मंगा ली, अभी बड़ी माशाल्लाह भाभी के आदमी बड़ा जायका है ना, भाभी के आदमी नहीं ये जो मियाँ फलाँ हैं वो पकवान वाले ये उनका है, ये शीरमाल उनकी है, ये मीठा उनका है, अब गुलाब जामुन का एक कॉन्सेप्ट आ गया, छोटी छोटी बूंदियाँ उसमें डाल के ये मीठा आ गया आपका। तो ये बाहर के खाने तो रूहानियत नहीं, और दूसरी बात ये वो मोहब्बत जिसे कहते हैं अपनाइयत नहीं होती कि जो होनी चाहिए। तो खाना खिलाने का जैसे मैंने कहा कि हदीस में आया कि 10 गुलामों को आज़ाद करना, या फिर एक जगह आया कि तीन लोगों को जो खाना खिलाए, अब दावत में तीन से ज़्यादा लोग होते हैं, अल्लाह उनको तीन बागों से जो है सैराब करेगा खाना खिलाएगा, और बाज़ औक़ात आया कि है ही नहीं उसमें। फिर अल्लाह फरमाता है तीसरा पैगाम, वला युतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही, यानी ख़ुद उनको उसकी ज़रूरत थी, चाहत थी, ख्वाहिश थी, किसकी, खाने की। आप जब इफ्तार में बैठते हैं तो आपको जी चाहता है ना, हम तो कह देते हैं बड़े मज़े से पकौड़े छोले दही बड़े फला फला चीज़ें होनी चाहिए, वरना हम इफ्तार नहीं करेंगे, रमज़ान के वाजिब रोज़ों में हम अल्टीमेटम दे रहे होते हैं घर वालों को, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं पकाया।
और वहाँ फ़कत एक रोटी, यही स्क्वायर मील था, स्क्वायर मील, कोई उसमें सिरका शहद या सालन का तस्करा ही नहीं मिलता हमको, एक एक रोटी सबको दी हुई थी। अला हब्बे ही, इसको कहते हैं ईसार। ईसार क्या है कि इंसान वो चीज़ जिसे कहते हैं कि किसी को दे दे जिसकी खुद उसको ज़रूरत हो, ये कहते हैं ईसार। देने के हवाले से, अल्लाह की राह में खर्च करने के हवाले से पांच कैटेगरीज हैं। एक तो वो शख्स है जो ना खुद अपने ऊपर खर्च करता है ना दूसरों को देता है, इसको हम कहते हैं लईम, बदतरीन शख्स, लाम हमजा ये मीम, लईम। दूसरा वो शख्स जो खुद तो खाता है, खुद तो इस्तेमाल करता है किसी चीज़ को, दूसरों को नहीं देता, इसको हम कहते हैं बखील, कंजूस। एक आम आदमी कि जो खुद भी खाता है, खुद भी इस्तेमाल करता है, लोगों को भी देता है, मुखय्यर हजरत, युनफिकूना मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। तो जो अल्लाह ने उनको दिया है, ये शुरू की आयत में है कि ज़ालिकल किताबुल राबिफी हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि ये वो लोग हैं, ये किताब उनके लिए हिदायत है, इसमें कोई शक नहीं है। किन लोगों के लिए? युमिनूना बिल गैब, जो ईमान रखते हैं गैब पर। उसके बाद युक़ीमूनस सला, नमाज को कायम करते हैं, और अल्लाह की राह में जो हमने दिया है वो खर्च करते हैं, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि जो हमने दिया उस पर। तीसरी अहम खसूसियत बताई गई है मोमिन की, तो जो आप भी इस्तेमाल करें और दूसरों भी दें उसको, मुखय्यर हजरात। जो शख्स मांगने पर ज़्यादा दे, यानी दो दरहम मांगे वो और आप वो आप उससे दो दरहम मांगे वो आपको दस दरहम दे दे, इसको हम कहते हैं सखी। मौला से किसी ने पूछा था ना कि हातिम ताई के पास अगर 40 दरवाज़ों से 40 लोग आते थे तो वो 40 लोगों को देता था, तो मौला ने कहा मैं एक मर्तबा में इतना दे देता हूँ कि उसको नौबत ही नहीं आती बाकी दूसरे तीसरे दरवाजे से आने से, तो इसको सखी कहते हैं। जो बिन मांगे दे, अक्सर हम बच्चों को मांगने से पहले दे देते हैं, बता देते हैं हम आपको ये लिए लाएंगे, ये तोहफा देंगे, उसको हम कहते हैं करीम, अल्लाह का एक नाम करीम भी है। और एक होता है ईसार करने वाला, मुअत्तर आप कह सकते हैं फ़ाइल, इसमें फ़ाइल के ईसार करने वाला, यानी जो चीज़ आपको ज़रूरत हो वही चीज़ आप किसी को दे दें, और ये बहुत बड़ा काम है। करीम तो चलिए ठीक है कि आपने बिन मांगे दे दिया, लेकिन हो सकता है आपके पास वो चीज़ मौजूद हो। सखी भी ठीक है, आपने दे दिया ठीक है, आपके पास आ रहा है, आप देते जा रहे हैं, लेकिन ये जो ईसार है ना, आपको उस चीज़ की ज़रूरत थी और वही दे दी आपने, अब चाहे वो एक रोटी क्यों ना हो, ये बहुत बड़ा कमाल है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी। तो कहते हैं कि जंगे उहद में एक सहाबी आखिरी सांसें ले रहे थे, तो प्यासे थे, तो कोई शख्स आया उनके पास पानी लेकर, तो उन्होंने कहा ये जो सामने ये शख्स तड़प रहा है इसको पहले पानी दो। एक और सहाबी तड़प रहे थे, आखिरी सांसें ले रहे थे, तो उनको पानी देने के लिए ये गया ये वो शख्स, तो उन सहाबी ने कहा नहीं, जो सामने एक और शख्स जो तड़प रहा है इनको पानी दो, ये जामकनी की हालत में। उसके पास गए तो तीसरा शख्स दाई अजल को लब्बैक कह चुका था, जाम शहादत नोश फरमा चुका था। अब ये शख्स भागा भागा पानी का प्याला लेकर दूसरे शख्स के पास आए जो ज़ख्मी हालत में थे, सहाबी वो दम तोड़ चुके थे, जाम शहादत नोश फरमा चुके थे, वो दौड़ा दौड़ा पहले शख्स के पास आया तो वो भी जाम शहादत नोश फरमा चुके थे। तो उस पानी की तीनों को ज़रूरत थी और तीनों ने एक दूसरे के पास जो है वो, एक दफ़ा रसूल के पास एक खाना किसी ने भेजा था, तो रसूल ने किसी दूसरे को भेजा, उसने किसी दूसरे को भेजा, उसने तीसरे को भेजा, और फिर सात लोगों से होता हुआ खुद रसूल के घर में वापस आए। तो इस तरह होता था। मौला ने याद नहीं है आखिरी वक्त था कि जनाब सैयद से कहा तुम कुछ खाओगी, बहुत इसरार किया, हालांकि उन्होंने यही कहा करते थे कि मुझे रसूल ने मना किया है कि अली से कुछ मांगना मत, हाँ खुद कुछ ले आए। हमारे क्या होता है कि शौहर से मांगो, अगर नहीं दे तो हमें बताओ, बहुत है हमारे पास, तुम दोनों को नहीं फोन दिला रहा तुमको नए मॉडल का, हम तुम्हें दिलाएंगे और बताना उसको, देखो मैं अपने घर से लेके। ये इस तरह तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है बच्चियों की, तो झगड़ा हो जाए आ जाना, तुम हम पे भारी नहीं हो, एक वक्त खाना हम तुम्हें दे सकते हैं, तीन दो वक्त का। तो वहाँ ये कहा गया था कि अली से कुछ मांगना नहीं, हाँ खुद कुछ ले आए। तो वो कितनी उन्होंने ज़िद की थी, इसरार किया था मौला ने, तो उन्होंने बताया था हाँ अनार खाना है, और जब अनार लेकर आ रहे थे तो एक शख्स मिल गया कि मुझे अनार खिला दो मैं भूखा हूँ, तो मौला अली ने
अनार के दो टुकड़े किए और पूरा अनार उसको खिलाया। हम होते तो शायद अनार खोल के दो चार दाने उसको देके, जो हम ढूंढते हैं ना जेब में सिक्के, तो वो जर्द रंग का नोट निकल आता है, 20 की बजाय कभी 5,000 का भी निकल आता है, तो फौरन रखते हैं अंदर। कहने लगा आधा अनार खाने के बाद कहने लगा कि मुझे और खाना है। अब आप बताएं मौला अली की क्या हालत हुई होगी, बीबी ने इतने अरसे के बाद एक चीज़ की ख्वाहिश की और वो भी उस पूरी की पूरी उस फ़कीर की जिसे कहते हैं कि नज़र हो गई। लेकिन बीबी भी महाराज वो आम खातून थोड़ी थी। कहते हैं कि जब मौला अली जब भी जंगों से आते थे तो खाली हाथ घर में आते थे, सब लोग माले गनीमत लेकर आते थे और ये खाली हाथ। खैबर में इतना गनीमत तकसीम हुआ और खैबर जीती, बल्कि कोई जंग अली के बगैर जीती कहाँ गई है, कि उसमें अली को जो माले गनीमत, अच्छा जो ज़्यादा बहादुरी दिखाता था परफॉर्मेंस, जैसा हमारे मैन ऑफ द मैच होता है उसको सब मिलता है ना, एक मजमू रकम तकसीम होती है और एक तो अली तो हर जंग का मैन ऑफ द मैच जिसे कहते हैं। तो आज फाइनल मैच हो सकता है, आप लोगों का जहन जो है हमारी तरफ हो के नहीं हो। भारत तो कहने का मकसद ये है कि लोगों ने, ख़वातीन ने आके बीबी को ताना दिया था कि तुम्हें बड़ा फ़ख्र अपने शौहर पे कि मेरा शौहर माले गनीमत के लिए नहीं लड़ता, जब आता है तो खाली हाथ आता है, हालांकि सबसे ज़्यादा माले गनीमत का हकदार हुआ करता था, होता है वो। आज हम देखेंगे अली खाली हाथ कैसे आते हैं। एक चादर मिली थी जिसमें 5 किलो सोना टका हुआ था, वो जब निकाला गया उसको तोला गया, 5 किलो सोना, और बहुत अली गया हक में, हक हिस्से में सबसे ज़्यादा आया। कहते हैं अली उस जगह उस इलाके से गुजरे जिस जो इलाका मशहूर था बेवाओं और यतीमों का, तमाम खैबर का माल गनीमत उस रास्ते में तकसीम कर दिया। और जब बीबी ने मौला को खाली हाथ आते देखा तो सजदे में गिर गई कि अली अगर आज आप कुछ ले आते तो मदीने की औरतों के सामने में शर्मिंदा होती। हमारे यहाँ अल्लाहुम्मा सल्ले अला उसके बाद पांचवा पैगाम वो खुद अहले बैत अपनी नेक अफराद फरमाते हैं कि जो भी वो काम करते हैं क्यों करते हैं। पांचवा पैगाम खुलूस नियत अला हुब्बे ही, पहला ये चौथा है ना अला हुब्बे ही। पहला पैगाम है यूफूना बिन नज़र, दूसरा पैगाम है यखाफूना डरने वाले, तीसरा पैगाम युतअमूना खिलाने वाला खाना खिलाना, पांचवा पैगाम है अला हुब्बे ही ईसार, चौथा। अब पांचवा पैगाम इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, के हमने तो तुम्हें अल्लाह की वजह अल्लाह के सबब खिलाया है, वला नुरीदु मिनकुम जज़ाउन वला शकूरा, और हम तुमसे कोई जज़ा और शुक्र भी नहीं मांगते। जज़ा तो बहुत दूर की बात है, शुक्र भी ना अदा करो, हमें तुम्हारी इसकी परवाह नहीं है। मौला फरमाते हैं कि जिस नेकी का तुम्हें सिला ना मिले समझ लो वो नेकी कबूल हो गई। हम अक्सर कहते हैं ना कभी उनके साथ इतना कहते हैं तोहफे तवाफ देते हैं, वो हमारी गिबतें करती हैं, हमारी जड़ें काटती हैं, हमारी जो ताल्लुकात ख़राब करवाती हैं, हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं, भाई यही तो नेकी है जिसका आपको सिला मिल रहा है। तो जब आप नेकी कर लें तो फिर उसकी तवक्को ना रखें। क़यामत में कितने लोग अल्लाह के पास आएंगे और कहेंगे अल्लाह हमने तेरी नमाज रोज़े और पत्नी क्या क्या नेकियाँ की, तो अल्लाह कहेगा नहीं तुमने किसी और के लिए की, जिसके लिए की उससे मांगो। तो सबसे बदनसीब शख्स तो वही है, बदनसीब तो वो भी है गुनाहगार जो जहन्नम में जाएगा, लेकिन वो दुनिया में कुछ लज्जत ही लेके तो गया, लेकिन वो कितना बदनसीब है जो दुनिया में नेकियां करके अल्लाह के हुजूर आया और उसको कहा जाता है तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? कि तुमने नेकियां अल्लाह के लिए थोड़ी की थी, लोगों के लिए की थी, जिसके लिए की थी उससे मांग। तो खुलूस इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का तर्मोदारम नीयत पर है। अगर नीयत ही खालिस नहीं है तो फिर आप किसी भी अमल को कर लें पहाड़ जैसा वो रूई के गालों की तरह क़यामत में उड़ जाएगा। इसके बाद मज़ीद पैगाम इंशाअल्लाह अगले दर्स में आपके सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि सूरह दान के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में जारी और सारी करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान को पढ़ने समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको रिस्क हलाल अता फरमाए। जो रिस्क हलाल कमा रहे हैं उनके रिस्क हलाल में बरकत अता फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमाए। जो जिंदान में उनको रिहाई अता फरमाए। जो सफ़र में उनको मंजिल अता फरमाए। जो गुमशुदा हैं उनको उनके प्यारों से मिला।
जो मज़लूम हैं उनसे ज़ुल्म को दूर फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार व आवान में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।